दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2021 का पहला कोहरा आ चुका है भागलपुर जंक्शन पे, देख सकते हो। यह है कहलगांव एंड और दुमका एंड, और देख सकते हो कितना घनघोर कुहासा है, नज़दीक का भी देखना मुश्किल हो रहा है। और पहली बार इस ठंड में इतना ज़्यादा कुहासा हुआ है भागलपुर जंक्शन में। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कवि गुरु का डिपार्चर इस साइड से होगा, और कवि गुरु आने वाली है। देखते हैं कि वो डीजल से आती है इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसका CRS इंस्पेक्शन तो 6 अक्टूबर को ही हो गया था, और आप अब देख सकते हो कि लगभग 1 महीने 20 दिन गुजर चुके हैं, पर अब तक इस ट्रेन में डीजल लोको से ही इसका परेशान लगातार किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज इलेक्ट्रिक लोको हो, अगर नहीं होगा तो फिर से मैं ट्वीट करने वाला हूँ रेलवे ऑफिशियल्स को कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीजल की लगातार बर्बादी हो रही है इस चक्कर में। अगर इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोको से चला दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, डीजल की भी बर्बादी नहीं होती। जब रूट इलेक्ट्रिफाइड है, इतने सालों में रूट इलेक्ट्रिफाइड हुआ इतने खर्च के बाद, और तब भी अगर ट्रेन को चलाया जाए डीजल लोको से तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए दोस्तों इसका डिपार्चर देखते हैं किस लोको से इसको डिपार्ट कराया जा रहा है। इसके बाद फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं। दोस्तों कवि गुरु एक्सप्रेस तो खुल चुकी है और इसका डिपार्चर हुआ है यहाँ पे आज डीजल लोको के साथ ही, इसीलिए मैं रेलवे ऑफिसर्स को इसके बारे में ट्वीट करने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। और मैं अब बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है, और इसका ट्रेन बोर्ड देख सकते हो यहाँ पे भी रेगुलर नंबर वाइट कलर से अपडेट कर दिया गया है, 1554 और 1553। 1553 है जो भागलपुर से जयनगर के लिए है, और जब जयनगर से गाड़ी आती है तो उसका 1554 हो जाता है ट्रेन नंबर। और अभी भी यहाँ पे स्पेशल एक्सप्रेस लिखा हुआ है, पर अब ये नॉर्मल एक्सप्रेस बन चुकी है। दोस्तों इस ट्रेन में आप देख सकते हो ये इसका लास्ट SLR कोच है, और इसमें अब 12 ही कोच हैं। पहले इस ट्रेन में 16 कोच हुआ करते थे, पर क्योंकि बुकिंग नहीं हो, अभी तक इसमें नॉर्मल जो टिकट काउंटर से बुकिंग स्टार्ट नहीं होने का, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इसमें सफ़र करते हैं वो नॉर्मल टिकट लेके सफ़र करना चाहते हैं, किसी को भी ये बुकिंग की आदत नहीं, जल्दी नहीं लगी। साउथ इंडिया की ट्रेन्स में या पंजाब की ट्रेन्स में ये मैंने देखा था ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड पहले से थे कई सालों से, तो वहाँ पे लोगों के माइंडसेट में प्रॉब्लम नहीं है। पर बिहार में जनरली यही ट्रेंड है कि आप काउंटर से टिकट लेते हो और आप ट्रैवल करते हो, तो यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। उम्मीद करता हूँ जैसे जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस हो, मुजफ्फरपुर इंटरसिटी हो, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी हो, इन सभी ट्रेनों में जल्द से जल्द काउंटर से टिकट जो जनरल टिकट है उसको अलाउ कर दिया जाए। कम से कम जितने जनरल कोच है उसमें आधे जनरल कोच को भी अगर अलाउ कर दिया जाए तो यात्रियों को सुविधा हो जाएगी और पूरी तरीके से टिकट कटने लगेगी और रेलवे को भी राजस्व का लाभ होगा। तो कोहरे में पूरा स्टेशन, अभी भागलपुर स्टेशन आप देख सकते हो, जयनगर जो एक्सप्रेस है उसका ये बोर्ड देख सकते हो यहाँ पे, तो इसमें मिक्स कोच हैं। कुछ कोच आपको दिखेंगे ये नॉर्मल ब्लू कलर वाले ICF, और कुछ आप देखो उत्कृष्ट वाले भी दिखेंगे यहाँ पे। और मेरे पीछे जो इधर ट्रेन लगी हुई है ये आप देख सकते हो, ये सूरत जाने वाली सूरत एक्सप्रेस है।
तो ये ट्रेन भी अभी भागलपुर से बिल्कुल राइट टाइम डिपार्ट करने वाली है। पीछे चिड़ियों की आप देख सकते हो झुंड, ऊपर में कितना ज़्यादा चिड़ियों का झुंड यहाँ पे चहचहा रहा है। तो दोस्तों ये ब्लॉग को अब एंड करता हूँ। ये मॉर्निंग में बस आपको दिखाना था कि कवि गुरु में इलेक्ट्रिक लोको अब तक नहीं लग पाया है, और दूसरा एक कुहासा के कारण मौसम किस प्रकार का स्टेशन का, तो आपको मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कॉमेंट और शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई के चैनल को, ताकि इस तरह की जेन्युइन न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।